अरे बात करना है हमको। अरे एक सलीका होता है बात करने का, और आप हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। अरे ये कौन सी शराफत हुई? शराफत तो आप हमें सिखाइए मत। शराफत अगर आप में होता ना, तो हमारे सर पे ये मुसीबत का टोकरी नहीं फोड़ते आप। ये कौन सा नया किरायेदार ला के रखे हैं आपने? पूरा दिन लड़ते हैं, काय काय चालू रहता है उनका, एक चैन का सांस नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने उनको नहीं हटाया ना, तो हम उठा के उनको बाहर फेंक देंगे। अरे ऐसे कैसे उठा के आप फेंक देंगी? अरे एक बार बताइए, जब किराया देना होता है तो सबका शांत मुंह हो जाता है, और जब हम चार पैसे जोड़ते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं जोड़ तोड़ करके, तो आप लोगों को जो है तकलीफ होने लगती है। देखिए आपके सफेद बालों का लिहाज करने हैं, वरना यह गेयर लगाने के लिए ना हाथ बचेंगे, ना ब्रेक लगाने के लिए पैर बचेगा, बता रहे हैं आपको। देखिए मोहतरमा, ऐसा है ना, ये जो तेवर है ना, ये आप किसी दूसरे को दिखाइएगा, और हम आपके भौकाल से डरने वाले नहीं है। अच्छा हाँ, और देखिए हट जाइए। नहीं हटेंगे। अरे हटिए आप। नहीं हटेंगे कहाँ, नहीं नहीं हटेंगे हम। अच्छा तो हमको तेवर दिखा रही है, अभी अभी बताते तुम्हारे तेवर। हेलो, हाँ हसीना जी। देखिए क्या है, ये आपकी जो एसआई है ना करिश्मा जी, ये हमारी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई है, और हमको पुलिसिया जो है धोसा पट्टी दिखा रही है रोड पे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, कि अगर हमने कोई एक्शन लिया तो बाद में आप यही कहेंगी कि भाई नवाब साहब कुछ करने से पहले हमें बता दिया तो होता। तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, जानती है ना हमारी पहुँच कहाँ तक है। अरे हम कमिश्नर से बात करेंगे सीधा, और फिर जो कुछ होगा वो आप जानिए और आपकी वो करिश्मा जाने। फोन दीजिए उन्हें। ओके लीजिए, बात करिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह फौरन वहां से निकलिए। लेकिन मैडम सर, करिश्मा सिंह, हम कल खुद लॉयर से जाकर बात करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस सिचुएशन को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। आप निकलिए वहां से, हम अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। क्लियर? जी, जय हिंद मैडम सर। चलिए हटिए। लीजिए लीजिए। हाँ हाँ, पीछे पीछे। मेरी चाय किथे है? अपने आप जाके बना लो। तेरे प्यो का नौकर नहीं लगा मैं, जाके चाय बना के लेके आ। आ देख लो पाजी, ये हाल है इसका। अरे तीन चाय लेके, एक चाय और लेके आ सकती थी ये। अभी पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। अच्छा रुकिए रुकिए, भैया भैया आराम से। हम दोनों लोग यहाँ पर आए हैं आप दोनों लोग का झगड़ा सुलटाने के लिए, आप दोनों लोग को पति पत्नी का महत्व समझाने के लिए, आप दोनों लोग को मिलाने के लिए, समझे? इंदु जी, मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को लेकर आप बिल्कुल सही हैं। मतलब वाकई मर्दों को साड़ी में एक सेफ्टी पिन तक लगाने नहीं आती। वही तो। ना ना बिल्कुल ना संतोष, मर्दों को सेफ्टी पिन लगाने आता है। हाँ तुझे आया अभी? हाँ ना, नहीं कभी 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 क्या होता है कि दाएं बाएं हो जाता है। हाँ, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है बिल्कुल, लेकिन लगाना तो आता है ना, यही यही बात। यही तो मैं कह रहा, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। देखो ऐ देखो, ऐसे एफटीपी ना, ठीक है? लगाइए लगाइए, हाथ दो। दो हाथ उनको दिखाए, उनको दिखाए। आसान था, आसान आसान। देखा दर्द होया? नहीं होया। देखा कितने प्यार से चीखे हैं, हैं? पर ये जब चीखती है ना, चुप चुप रह। तुम यार क्या कर रहा है यार? किसी राक्षस को तेरी चिल्ला रहे हो तुसी? मैं भी चिल्ला दिया। और तू तो इस तो भी भयानक चिल्लाती है। और पाजी मल्ले के ना पूरे बच्चे डर जाते हैं, और कंधा चित्रेड़ा आ जाती है। किस में क्या आ जाती है? ए यार ए, हम भोजपुरी बोले तुमको समझ में आएगा? हाँ? नहीं ना, हिंदी में डन करते, हिंदी में मत जाओ यार। महेश राजेश, मेरा मतलब है सर जी के दीवारों में दरारें आ जाती हैं, इतनी जोर से चीखती है, मल्ले के बच्चों को लगता है कि कोई पूतनी चढ़ाई आ गई है। ये गल्ला कर रहे तुसी, मैंने बोल दिया, इतनी सी बात ने इतना बड़ा पहाड़ बना दो तुसी। मैं पहाड़ बनाना? हां जी तुसी पहाड़ बना दो, आवाज ना घट करके गल करो मेरे नाल। और चल चल। संतु जी पता नहीं कहां है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आग में घी का काम किए हैं, है ना? सुलझा नहीं देखा और उलझा दिया। ए सर्वेश, राजेश 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 देख लूंगी मैं, आपको छोड़ूंगी नहीं। देख लेना, मैं तुम्हें देख लूंगी कोर्ट के अंदर। एक्सक्यूज मी। अरे हसीना मलिक जी, आप और हमारे द्वार पर।
स्वागतम, बैठिए बैठिए बैठिए। जी बिल्कुल, तो प्लेजेंट सरप्राइज। अरे शेखर, जाओ जल्दी से दो चाय लेकर आओ, फटाफट जाओ। जी हाँ बताइए। तो हम आपसे दरअसल मिस्टर एंड मिसेस खोसला के केस के बारे में जानकारी लेने आए हैं। मिस्टर एंड मिसेस खोसला, आपका मतलब है केसी? केसी मतलब? अरे कलेश कपल, यहाँ वकीलों और जजों में दोनों इसी नाम से मशहूर हैं। अरे ये दोनों कचहरी में सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, अब तो हर कोई भागता है इनका केस लेने से। क्यों, ऐसा क्या करते हैं दोनों? अरे दोनों ऐसे लड़ते हुए आते हैं मानो अगर डिवोर्स नहीं मिला तो एक दूसरे का खून कर देंगे। जब भी डिवोर्स लेने की बात आती है ना तो ये दोनों भाग लेते हैं। कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है? क्या कहेगा जी, हर बार काउंसलिंग के लिए कहता है, पर ये दोनों किसी की सुनने वाले कहाँ। मतलब इन्होंने कभी काउंसलिंग ली ही नहीं? गए थे जी, ना जाने कितनी बार काउंसलर के पास गए थे, लेकिन जितनी बार ये काउंसलर के पास जाते हैं काउंसलर इनके आगे हाथ जोड़ लेता है। इन दोनों की नॉन स्टॉप दूतू मैमे के आगे वो भी मजबूर है। अब तो कोई जादूगर ही इनके कलेश का इलाज कर सकता है मैडम। हद है, पति अपनी पत्नी से इस तरह से बात नहीं कर सकता। इतना इरिटेट कैसे हो सकता है? सारी की सारी गलती ना पति की है। संतु जी, सारा का सारा गलती पति का नहीं है, पत्नी का है, समझिए ना। ये तो इतना छोटा पिन जैसा लगने वाला बात पर कोई भैंस की तरह डकारता है का? अरे पत्नी हो, थोड़ा अदब से, थोड़ा सम्मान से बिहेव करो। अपने पति से तो ऐसे बतियार दे जैसे कि वो दो कौड़ी का चोर हो, इनका पर्स उठा के भागा हो। जैसे तेरा पति जो है वो दूध का धुलाओ। हमारा पति संतु जी, हमारा कौन सा पति है संतु जी, तो पत्नी का पति है ना। पति कहलाने के लायक नहीं है वो आदमी जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इज्जत नहीं दे सकता। और संतु जी पत्नी धो धो के बेइज्जती कर रही थी बेचारे पति का, कितना बुरा लगा हमको। सारी गलती पति की ही है संतु जी, सारा जो गलती है ना वो पत्नी का, इस संदर्भ में मानिए आप। तू मुझे गलत बोल रहा है? हाँ आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भी पत्नी बनी कहाँ है संतु जी, समझिए ना। हाँ बनना भी नहीं है वैसे सड़ू आदमी की, इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूं। और चीते तू भी अगर ऐसी मेंटालिटी रखेगा ना, कोई भी ढंग की लड़की तुझे नहीं मिलेगी। कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी पत्नी से? करता है ना। हाँ? करता है। हमारी डंकीनी बहू करिश्मा जी, वो हमारे लल्ला के साथ ऐसी तो बातें करती है। अरे देखने में ही सिर्फ औरत मर्द है मगर असल में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। अरे पति है हमारी बहू जो हर वक्त हमारे गरीब बेचारे मासूम भोले लल्ला पर हुक्म चलाती रहती है, उसे घोच कर दबोच कर रखती है। और हमारा लल्ला पत्नी है, पत्नी जो कुछ नहीं बोलता, एक बेचारी पत्नी की तरह अपने पति का हर जुर्म सहता है, अपने मुंह से चू तक नहीं करता। का नहीं करता? चू चू चू। हाँ तो क्या 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 गलत कहा हमने? कब इन्होंने हमारे लल्ला को यानी अपने पति को पति समझा है? अरे हर वक्त तो उस पर हुक्म चलाती रहती और हमारा गरीब बेचारा लल्ला हमेशा गाय की तरह ना ऐसी मुंडी हिलाता रहता है। जूस। शुक्रिया। आ देख रहे हो मैडम, ये हाल है इसका। फिर बोलते हैं कि लड़े क्यों ना हम, अंदर जाके खुद ले लो। दादा दादा दादा, देखिए देखिए प्लीज, आप शुरू मत हो जाइए। दरअसल हम आप लोगों से ये कहने आए हैं कि आप लोगों की पूरी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हमें समझ में आया कि ये कोई प्यार वाला झगड़ा या प्यार खत्म हो जाने वाला झगड़ा है ही नहीं। ऐसा लगता है कि आप लोगों की शुरुआत से कभी नहीं बनी, आप लोग बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है। और अगर ये बात हम इतनी आसानी से समझ सकते हैं तो फिर आप लोगों को अब तक समझ में क्यों नहीं आई? शुरुआत में ही आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर दिया? कर दे, बड़ों का प्रेशर मैडम, अब वो तो हमारा कहा मानेंगे नहीं ना। ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसके चलते आप अपनी जिंदगी खराब करने के लिए तैयार हैं लेकिन माँ बाप के अगेंस्ट नहीं जा सकते? देखिए हमें ऐसा लगता है कि आप लोग म्यूचुअली बैठ कर बात कर लीजिए और सेपरेट हो जाइए। दो समझदार लोगों की तरह दोस्त बनकर रहिए, अपनी अपनी जिंदगी नए तरीके से फिर से शुरू कीजिए, उसमें परेशानी क्या है? हम ऐसा चाहें भी ना तो भी नहीं हो सकता ऐसे मैडम जी। क्यों? क्योंकि साढ़े पेरेंट्स नहीं मानेंगे मैडम। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? देखिए क्या बकवास चल रहा है राकेश, सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ? और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? और ये सेपरेशन और डाइवोर्स, ये सब क्या हो रहा है? खबरदार जो किसी ने दोबारा यहाँ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो। हाँ हमें पता ही था कि यहाँ पे ना कुछ देखने और सुनने को मिलेगा, इसीलिए ना मैं अपना वकील लेकर आई हूँ। मैडम आप चिंता मत करिए, एक अच्छा सा केस बनाकर ठोक देता हूँ मुकदमा। बताइए किस पर केस ठोकना है?
दुर्लभ नाम है मेरा। अरे इन पुलिस वालों पे देखिए ना, पुलिस वाले होते हुए शादीशुदा लोगों का रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसे पुलिस वालों पे तो ना केस ठोको और ऐसा थाना बंद होना चाहिए। और ये काम भी ना हम ही करेंगे। नहीं बहुत बढ़िया, मतलब अगर पुलिस मजबूर करे इनको साथ रहने में तो पुलिस हो जाती है हीरो, लेकिन अगर पुलिस इनको इस नर्क से निकाल कर इनका जीवन बर्बाद होने से बचा रही है तो पुलिस हो गई है विलन। कैसी बात कर रही है मैडम आप, अलग रहकर भी कोई कभी खुश रहा है क्या? तो साथ रहकर कौन सा खुश हो गए, पूछे कितना खुश है साथ रहकर, लड़ते मरते रहते, बर्तन फेंकते एक दूसरे पे। इन दोनों को साथ रहना ही नहीं चाहिए, ना कोई सम्मान है, ना इज्जत है, ना प्यार है। इन दोनों को अलग करके इनको खुली हवा में छोड़ देना चाहिए सच में। और नहीं तो क्या, जबरदस्ती से खींचा हुआ रबड़ जब टूट जाता है ना तो बहुत बड़ा घाव कर देता है। इससे पहले कि इनका जबरदस्ती का बना हुआ रिश्ता टूट कर बहुत बड़ा और गहरा कभी ना भरने वाला घाव दे जाए, उसको खत्म करना ही जरूरी है। मैडम कौन सी शादी में एडजस्टमेंट नहीं होता, शादी के रिश्ते का दूसरा नाम ही एडजस्टमेंट है। तो आपने क्या इनका शादी कराया या इनको जॉब पे लगवाया कि भैया एडजस्टमेंट करो? काहे करेंगे एडजस्टमेंट, एक पेज पे जब प्यार हो, सम्मान हो, कदर हो ना, उन लोगों को शादी करना चाहिए। अगर आपस में बनी ही नहीं रही है, अगर रोज खटर पटर हो रही है तो वो शादी काहे करेंगे, आगे का जीवन बर्बाद काहे करेंगे। इनको अलग कीजिए भाई साहब, ये खुश नहीं है साथ में, समझिए आप हमारी बात को। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैडम, अगर हमारी बच्ची इस रिश्ते में खुश नहीं है तो इनका अलग हो जाना ही बेहतर है, हमें इस डिवोर्स से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरे लिए मेरी बच्ची की खुशी सबसे बढ़कर है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप, जंगल में नहीं रहते हम लोग, समाज में रहना है तो समाज के कायदे कानून को मानना होगा। डिवोर्स के बाद कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, जानते नहीं आप, जीना मुश्किल कर देंगे इन दोनों का लोग बाग। अरे तो आपके समाज के लिए अपनी बच्ची को रोता छोड़ दूं? तो आप क्या चाहते हैं, डिवोर्स हो जाए? ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे हमारी बच्ची की खुशी भी कोई चीज है ना। कोई चीज नहीं, आप तो घर बिगड़वाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। मां क्या आप ऐसे बोल रही हैं, ऐसी बात कैसे करते हैं आप, लेकिन दोनों इस तरह से झगड़ा करते अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, ये थाना है कुछ तो गरिमा रखिए। मैडम सर थाना नीचे है। देखिए हम समझते हैं कि आप इनके माँ बाप हैं और इनके लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन ये साथ रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, ये जो भी करना चाहते हैं ये इनका फैसला है, क्योंकि ये इनकी जिंदगी है। इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि इन्हें एक और मौका देना चाहिए, इन्हें एक और बार मिलना चाहिए दोबारा से अजनबियों की तरह, उस तरीके से जिस तरह से ये शायद पहले मिले होते शादी करने से पहले, उस तरीके से ये लोग एक बार मिलेंगे, बात करेंगे और फिर तय करेंगे ये साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, और तब देखेंगे कि क्या होगा इनका जवाब, हाँ या ना। मिस्टर राजेश ये आपके पास आखिरी मौका है इस तकलीफ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का, इस बार अगर आप खामोश रह गए तो इस घुटन से कभी नहीं निकल पाएंगे। निकलो इस नरक से बाहर, ना जा तुम खुश हो ना वो इंसान जिसे तुम अपना पति कहती हो। हम जानते हैं तुम पे क्या बीतती है इंदु, तुम सोचती होगी इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को और तुम इतना परेशान रहती हो कि काश उस वक्त जब तुम अपनी शादी का डिसीजन ले रही होगी तब तुमसे किसी ने ये पूछ लिया होता कि तुम क्या चाहती हो इंदु, तुम्हें वो मौका दे दिया होता, तुमने अपने पार्टनर को जांच लिया होता, परख लिया होता, तो आज तुम्हारी जिंदगी का तस्वीर कुछ और ही होता। आज शायद तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के उसके साथ खाना खा रही होती, उसके साथ टूर पे जा रही होती और कितना खुश होती। वो मौका आज है इंदु, आज एक बार फिर आपको मौका मिला है अपनी आने वाली जिंदगी की तस्वीर को बदलने का। वो कहते हैं ना कि जिंदगी का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, लेकिन फिर भी आपको किस्मत ने एक और मौका दिया है। वो गलती जिसने तुम्हारी जिंदगी झन्नुम कर दी उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। माँ बाप, रिश्तेदार, बिरादरी, चाचा चाई, ताऊ, ये इनके बारे में कुछ मत सोचना। तुम्हारी जिंदगी देखो कैसी हो गई अभी, ये तुम्हारी जिंदगी है और इस जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें है। आपके इस एक फैसले से आप एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकते हैं, इसलिए आज जो भी फैसला लोगी ना बहुत सोच समझ कर लेना, और हमारी मानो तो दिल की सुनना, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपका दिल आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अब सब कुछ राजेश और इंदु के हाथ में है, अगर इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया तो महिला थाने पर आने वाली मुसीबत को हम रोक नहीं सकते।
तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हरेगा? कौन का जीतेगा रे सियाह पिशाच के सियाह नरमुंडी? देख खेल देख इतना एकदम दमदार लेवल पर चल रहा है। करिश्मा मैडम जीतेंगी, पूरा जीत रही है मैडम। अच्छा लगी शर्त? लगाओ शर्त, कितना का लगाएगा? अरे भिखारियों के ब्रांड एम्बेसडर जब शर्त लगा ही रहा है तो कम से कम 500 का तो लगाओ। कैसा 100 रुपया का शर्त लगा के बैठा हुआ है? अरे चिंदी सोच, 1000 की शर्त, 1000 एक पे 30 लगाएगा? तनख्वाह है उतनी देंगे। गुड गुड, वेल प्लेड करिश्मा सिंह, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इनफैक्ट हमें लगता है, पता है कि हमें ये रोज खेलने का एक ये नियम बना ही लेना चाहिए। नहीं मस्ती भी हो जाएगी, सेहत भी बनी रहेगी। मैडम सर जीत गई, मैडम सर जीत। लेकिन उम्र तो है, उम्र का लिहाज कीजिए। इस उम्र में ऐसा फुदकना अच्छा लगता है क्या सबके सामने? अरे आप कहां बूढ़े हैं, आप जवानी तो है। हम जवान हैं, हम जवान हैं, लेकिन आप नहीं है, ये हम समझाना चाह रहे हैं। अरे हम तो आपसे भी जवान हैं। एक सेकंड मैडम, वो प्रोफेसर नहीं है राहुल वर्मा, उसका नागिन डांस वायरल हुआ था ना, बस वही देख के पुष्पा जी को जोश चढ़ा। मत कीजिए। अरे क्या रे चटक चांदनी, इतना क्या लोड लेने का रे? जब देखो पूरा टाइम सड़ेली रहती है, ऐसा मुंह सड़ा के बैठी रहती है। चिल बेबी चिल चिल चिल। मैडम सर आपको लगता है कि हम बहुत सड़ू हैं और आप बहुत कूल डूड हैं? उसमें लगना क्या है, हम हैं, हम हमेशा आपकी तरह लोडेड नहीं घूमते। तो फिर वो कौन है जो हमेशा अपना सीनियरिटी होने का हमारे ऊपर ढोस जमाता रहता है, हमें बार बार ऑर्डर देता रहता है, हमें बार बार अपना तजुर्बा बताता रहता है, अपना काम हम पे थोपता रहता है? ये सभ्य भाषा में सड़ू ही कहलाता है। क्या है करिश्मा सिंह, ऐसा आपको लगता है? हमें नहीं लगता, किसी और को ऐसा लगता है हमारे बारे में? लगता सबको है यहाँ पे, बस डर के वजह से बोल नहीं पाते। अच्छा, और आप हमसे नहीं डरती? हम आपका इज्जत करते हैं। फेयर इनफ, तो अब हम दोनों में कौन सड़ू है और कौन कूल है, इस बात का फैसला कैसे किया जाए? वोटिंग से डिसाइड करते हैं। 2-3 दिन हम सब आपको ऑब्जर्व करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, फिर वोटिंग करेंगे। हाँ। जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो सबसे कूल। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है सड़ू। करिश्मा सिंह से पूछ लीजिए। सच को आज क्या, सच तो सच ही रहेगा, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सबसे कूल कौन प्रतियोगिता आज से ही शुरू होती है। इन एडवांस कांग्रेचुलेशन। ये कौन है? ये कौन? मैडम मुझे पता है कि आप यही है। कॉलेज के बाहर मैडम बहुत हंगामा हो रहा है। क्या? एक आदमी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, प्लीज मैडम जल्दी चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए। अरे बस रुक जाइए चाचा, नागमणी लेकर मानिएगा क्या? ये एक मिनट मैडम, ये वही है जिनका वीडियो वायरल हुआ था, नागिन डांस वाला प्रोफेसर। बिजनेस का मौका है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भाई ये सुपर डांस है, नागिन डांस फोकट में मत देखना। पैसे डालो फटाफट। बिलो मैडम सर, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पगला गए हो, वापस ले लो। मैं बिजनेसमैन कब बनूंगा? क्या भाई साहब, क्या चल रहा है सब? हाँ ये नागिन डांस है। हाँ दिखाई दे रहा है हमको नागिन डांस है, पर यहाँ कहीं झूम रहे आप सबके सामने, पूरी शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं ना आप, इसको बंद कीजिए। मैडम अब ये नागिन नहीं मानेगी। हम आओ पुलिस में, हम हवालात में डाल देंगे ना, फिर अंदर झूमते रहना तुम नागिन बनकर। मैडम आप चाहे मुझे हवालात में डाल दीजिए, चाहे मुझे फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन अब जब तक जस्टिस नहीं होगा मैं नाचता रहूंगा। जब तक मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी मैं यूं ही नाचता रहूंगा। समझाइए, कुछ कुछ कीजिए। मैं इनकी वाइफ सरिता, ये सुबह से ऐसे ही नाच रहे बिना रुके। देखिए मैं समझा चुकी, रोक चुकी, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। मेहरबानी करके कुछ कीजिए, इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। सुनिए, हमें SHO हसीना मलिक महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, ये हमारी पूरी टीम है, आप हमारी बात सुनिए। आप जरा नाचना रोक कर बताएंगे कि आपकी परेशानी क्या है, आप क्यों नाच रहे हैं? मैडम मेरा नाम राहुल वर्मा है और मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। 2 हफ्ते पहले मेरे छोटे भाई की शादी थी, उसमें मैंने नागिन डांस किया, किसी ने मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया।
हाँ तो कहाँ हुआ इसमें? शादी ब्याह में तो लोग जाते हैं, फोटो वीडियोस होते ही हैं, सब अपलोड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत हो गया? मैडम, दिक्कत मुझे नहीं, इस कॉलेज को हुई है, इस प्रिंसिपल को हुई है, जिसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बहुत सॉरी बोला, मिन्नतें की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो लोग नहीं माने। हंसिए मत मैडम, हंसिए मत, ये सिर्फ मेरी नौकरी नहीं थी, मेरा मान था, मेरा सम्मान था, मेरी इज्जत थी। उन्होंने सिर्फ मेरी नौकरी नहीं छीनी, मेरी पहचान सब कुछ छीन लिया और मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा पे दाग लगा दिया। अब मेरे दिल में दाग द फायर है। मैं बेरोजगार रह के तो जी सकता हूँ, मगर इस तरह अपमानित होकर नहीं जी सकता। इसलिए मैंने ठान लिया है कि जब तक मेरे जान में जान है, मैं नाचूंगा। देखिए, एक मिनट हमारी बात सुनिए। देखिए, हम आपकी परेशानी समझ रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप डांस करना बंद कीजिए। देखिए, आपकी बीवी को उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम वादा करते हैं, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप नाचना बंद कीजिए प्लीज। मैडम, अब ये नाचना तो बंद नहीं होगा, जब तक मेरी नौकरी नहीं मिलेगी या जब तक मेरी जान नहीं जाएगी। अच्छा ठीक, कहाँ है ये प्रिंसिपल, कितने बजे आते हैं? मैम 12 बजे। ये एक कॉलेज है और कॉलेज में विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण होता है और महान बनाने के लिए उनके चरित्र को महान बनाना पड़ता है। जो उन्हें महान बनाते हैं, उनके गुरु, उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स, उनके अध्यापक, जैसा उदाहरण वो प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी वैसा ही बनेगा। ये राहुल वर्मा जैसे टीचर अपने बौंडे नृत्य का प्रदर्शन करके, लहरा लहरा के नागिन ड्रेस करके क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनने के बजाय ये लोग गली गली नागिन डांस करते हुए नाग नागिन को पकड़ते घूमेंगे। सॉरी मैडम, हम किसी भी हाल में राहुल वर्मा को अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे, एंड दिस इज फाइनल। क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरे सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहेंगे कि कोई अपने निजी जीवन में क्या करता है, कैसे रहता है, क्यों करता है, ये अधिकार सोचने का, समझने का या उसका डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ उसी का ही और किसी का नहीं है। हम कौन होते हैं, कोई और कौन होता है किसी और की जिंदगी में दखल करने वाला? ये तो उसके अधिकारों का हनन करना हुआ ना सर। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप तो बहुत कूलली सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं। आप करिश्मा सिंह ही है ना, या उर्मिला की तरह कोई डबल रोल का चक्कर है? पत्थर, हमने नहीं मारा मैडम सर, हमने नहीं मारा। नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या है, किसने मारा पत्थर? हाँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, प्लीज आप वर्मा सर को वापस उनकी नौकरी दिलवा दो। हम सब चाहते हैं कि वर्मा सर फिर से कॉलेज ज्वाइन करें। सब जानते हैं और मानते भी हैं कि वर्मा सर की गलती नहीं है, फिर भी इन्हें अननेसेसरीली परेशान किया जा रहा है। ही इज इनोसेंट। अगर वर्मा सर ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो मजबूरन मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। प्लीज हेल्प कीजिए, वर्मा सर की हेल्प करके आप हम सब की हेल्प करेंगी। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकती, बट प्लीज डू समथिंग। कहाँ से आई? ए, रुको, रुको! ए, रुको, लड़की, लड़की, रुको, कहाँ जा रही हो? संतोष जी, संतोष जी, रुको! कहाँ, ये कहाँ? अरे वो लड़की पीछे जो मैडम से भाग रही है ना, उसके ऊपर 5,000 का ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, अगर पकड़ लोगे तो मिल जाएंगे 5,000। भागो! हाँ, भाई देख क्या रहा है, सौ पर बार बार नहीं आता है, जल्दी से कुछ कर, चल। ए, रुक रुक, अबे रुक जाओ, रुको। अरे अरे चल, कहाँ चली गई? आइए पुष्पा जी, इधर है। अरे ब्रेक नहीं लग रहा है, अरे ब्रेक नहीं लग रहा है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ गई ये लड़की, आसमान खा गई।
गया कि जमीन निकल गई उसको। अरे मैडम लड़की, अरे वो रुक जाइए, चलिए। गोली क्या मार देंगे, छूट तो गई ना। रुको रुको, धीरे धीरे पलटो और अपना चेहरा दिखाओ। चलो जल्दी मास्क हटाओ। गोली नहीं, 5000 लेके रहेंगे। अरे पुष्पा जी ब्रेक, अरे ब्रेक, अरे पुष्पा जी कुछ काम ढंग से नहीं करता। क्या पागल हो क्या तुम दोनों? अरे ये कहाँ चली गई? तुम लोगों की वजह से नालायक हो। अरे पुष्पा जी हम तो मदद करने आए थे आपकी। एक काम बोलो तो तुम लोगों को, वो भी ठीक से नहीं होता, एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। अब जाओ यहाँ से। उधर ही गई है, उधर गई, आ जाओ, इधर ही गई होगी। अब क्या करेंगे मैडम सर? पता नहीं पुष्पा जी, ये जो भी लड़की है ये साफ साफ है कि सामने नहीं आना चाहती, कुछ तो छुपा रही है। ये बात तो है। हाँ वैसे भी अगर चेहरा दिखाना ही होता तो फिर भागती क्यों? हाँ लेकिन इसको हमारी मदद चाहिए, ये कुछ तो है जो हमें बताना चाहती है, बस सामने आने से डर रही है, पता लगाना होगा। दिखाएगी पत्थर? कितना सुंदर पत्थर है, देखिए ना, इतना एकदम तराशा हुआ। आप उसको पकड़ने के बाद ना आप हमें दे दीजिएगा, हम हमारे टेबल पे रखेंगे इसे पेपर वेट की तरह। दिखाइए सर। हम राहुल वर्मा को किसी भी हाल में अपने कॉलेज में वापस नहीं लेंगे, एंड दिस इज फाइनल। प्रिंसिपल जी। अरे आप लोग फिर आ गए? देखिए मुझे जो कुछ कहना था वो मैं पहले ही कह चुका हूँ, और वैसे भी मेरे पास आप लोगों के लिए कोई समय नहीं है, ना ही कोई जानकारी है। हो सकता है आप लोगों के पास कोई काम धंधा ना हो, तभी इस केस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है। समझ में आ गया? नमस्कार। इसकी मैया की सासू मैया। एक सेकेंड। क्या कहा इसने? ये अपनी मैया को बहुत अक्सर याद करती है इसलिए उनका नाम बड़बड़ाती है। बहरहाल आप हमारी बात सुनिए, हम यहाँ आपसे मिलने आए, हमें आपसे कुछ काम है। क्या काम था मुझसे? ये बहुत ही कमाल का, ये जो कैरन आर्ट इसे कहते हैं ना, हम ये जानना चाहते थे कि आपने कहाँ से लिया, ये कौन है इसका डिजाइनर, ये आपको कहाँ मिला? क्यों जानना है आपको? क्या है कि पिछली बार जब हम आए थे ना तब हमें बहुत अच्छा लगा था, और हम सोच रहे हैं कि किसी रिलेटिव को ये गिफ्ट कर दें, बस इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ अगर ये कोई नेशनल सीक्रेट है तो रहने दीजिए। नहीं, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, दरअसल ये हमने खुद बनाया है। देखिए बस बचपन से शौक था हमें वो गिट्टी खेलने का, बस उसी गिट्टी को हमने एक नया रूप दे दिया, बस उसी का नाम है ये कैरन, कैरन आर्ट। इसे बनाना इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन फॉर मी, यू नो, वो आध्यात्मिक अनुभव बस। लेकिन बहुत अजीब है। अजीब? क्या अजीब है? हाँ बता रहे हैं हम, अजीब इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब 7 पत्थर थे, इस बार तो लेकिन सिर्फ 6 पत्थर है। गुड ऑब्जर्वेशन। अरे तब से वही तो खोज रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा है, और मेरी बेटी करुणा आई थी उसने वो हाथ लगा दिया और ये सारे के सारे मेरे जो स्टोन्स है वो गिर गए, अब वो तब से मिल ही नहीं रहा है, वो उसी को ही ढूंढ रहा हूँ मैं असल में, वो मिल नहीं रहा। तो उसमें कौन सा बड़ा बात है, आप कोई भी पत्थर लगा दीजिए, थोड़ी ना किसी बादशाह के ताज का मोती है कि वही लगाना पड़ेगा, कोई भी लगा दीजिए। देखिए ये बहुत ही महंगे और सिलेक्टिव स्टोन्स है, सड़क पर पड़ा हुआ कोई भी पत्थर इसकी जगह नहीं ले सकता। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए कि आपके और आपकी बेटी करुणा ना, उसके अलावा कोई और आया था केबिन में? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा ठीक है, कहीं ये वो 7वां पत्थर तो नहीं? अरे वाह, यही तो है वो, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूं, मुझे मिला नहीं और तुम्हें बड़ी आसानी से मिल गया। मेरा कैरन आर्ट। नाम का बताया? कैरन आर्ट। बेटी का? करुणा।
करुणा, आपकी बेटी करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है ना? हाँ हाँ, करुणा इसी कॉलेज में पढ़ती है और बीए की छात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। थैंक यू जी। करुणा आचार्य, वो थाने में जो खत वाला पत्थर फेंका था वो तुम्हारा ही काम था ना? आई एम सॉरी मैम, बट सिर्फ इसकी वजह से कि वो पत्थर मेरे पापा के केबिन से मिला, ये प्रूव तो नहीं होता ना कि वो पत्थर मैंने यानी कि उनकी बेटी ने यूज किया था। देखो करुणा, बेहतर यही होगा अगर तुम झूठ ना बोलो तो, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे पापा के केबिन का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने पत्थर अपने बैग में डाला और वहां से चली गई। मैम आप झूठ बोल रही है। पहली बात कि मेरे पापा की केबिन में कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं, और दूसरी बात वो पत्थर मैंने बैग में रखा ही नहीं था क्योंकि मेरे पास बैग। तो कहाँ रखा था? करुणा वैसे भी हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था तुम्हारे कपड़ों से कि तुम ही हो जिसने थाने में खत छोड़ा है। हम सिर्फ तुमसे कन्फेस कराना चाहते थे। देखो करुणा, क्या है, हम तुम्हें यहाँ जानबूझकर फंसाने नहीं आए। हम दरअसल बस प्रोफेसर राहुल की मदद करना चाहते हैं और तुम्हारे खत से लगता है कि तुम भी उनकी मदद करना चाहती हो, तो हमारी मदद करो ताकि हम उस इंसान को उसका हक दिलवा सकें। संतू, बहुत जल्द तुम्हारी शादी का योग नजर आ रहा है हमें। हमारी दूर दृष्टि से कह रहे हैं तुमको। पर आपकी दूर दृष्टि तो कमजोर है ना? हम अगर हाथ तो पास से देख रहे हैं ना। जब संतू जी के बारे में आप इतना कुछ बता ही रही हैं, तो ये भी बता दीजिए ना कि संतू जी के लिए लड़का कौन होगा। लड़का यही आस पास का ही है। शुक्रिया। लेकिन वो प्रपोज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके मुंह में दही जमा हुआ है। दही निकल गई। मत पड़िए इनके चक्कर में मत पड़िए। रात को नींद नहीं आता है ना, तो पाम स्टिक देख देख के अपना टाइम पास करती हैं, तुम पे हाथ साफ कर रही हैं और कुछ बात नहीं है। पुष्पा जी, ऐसा नहीं है, हम बता सकते हैं आगे क्या होगा। अच्छा पुष्पा जी, जब आपको सब पता है कि आगे क्या होगा तो बार बार करिश्मा मैडम को क्यों परेशान करती है कि लल्ला का लल्ला कब आएगा कब आएगा कब आएगा? तुम हमारी ज्योतिष विद्या पर शक कर रही हो? हाँ मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। सब ठीक? ओके। अब मैडम सर को फोन आएगा। इनकी अम्मी का है। हाँ अम्मी बोलिए। आपको कैसे पता चला? अरे समय से बहुत आगे चले गए हैं हम, हमें सब पता है आगे क्या होगा। इनकी अम्मी की तबीयत ढीली है। अरे ऐसे कैसे, अचानक से बीपी कैसे बढ़ सकता है? ये गणित आपका है पुष्पा जी। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ माफ कीजिए लेकिन हमें जाना होगा, हमारी अम्मी की दरअसल जो ठीक है, नहीं है तबीयत, आपको जाना होगा। हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए। एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि अम्मी की तबीयत खराब हो गई है? मैडम सर आप भी ना, कोई फोन करके थोड़ी ना बताएगा कि हमारी तबीयत ठीक है। हाँ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन किया होगा ना, तो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलिए, देर हो रही है हमें। हाँ ये बात भी सही, आप लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ 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 ठीक है, चलिए चलिए मैडम सर, लेट हो रहा है। ज्योतिष विद्या विभूषित माओ हो, काम किसी को करना नहीं है। हेलो हेलो, महिला थाना जनपद लखनऊ। हाँ हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। मारो नाम तनुज है। आपके थाने में ना अभी एक बाप और बेटे की जोड़ी आएगी, वो मेरे पति और ससुर है। एक रिक्वेस्ट है आपसे करिश्मा मैडम, आप ना उनका ये केस लिखना नहीं, आपको जो भी चाहिए रहेगा ना आप ले लेना, बस मैडम ये कंप्लेंट मत लिखना। सुनो यहाँ शिकायत ना केस के हिसाब से दर्ज होती है, लेने देने के हिसाब से नहीं, समझ रहे हमारी बात को? और 10 सेकंड से ज्यादा किसी का बकवास झेल नहीं पाते हम, रखो तुम। मैडम आइए चाहिए मैडम। ये जय श्री कृष्णा। लग तो बाप बेटा ही रहे हैं। जय श्री कृष्णा, आप बाप बेटे हैं ना? चोरी का कंप्लेन लिखाने आया ना आप? आपको कैसे पता चला?
मुझे बताइए, टेल मी आस एंड व्हाट इज द चोरी, कैसे कब कहा हुआ है, मॉडस ऑपरेंडी, व्हाट इज दिस? हो गया तुम्हारा? ओके ओके जी बताइए, कब और कहां हुई चोरी? मैडम वाचण एम बनीने के गई कल रात हमारा घर में चोरी थी। एक मिनट भैया भैया भैया, इस संथाल से है, इससे संथाली में आपसे बात करवाएंगे तो आपके कुछ समझ में आएगा? नहीं 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 ना, तो हिंदी बोलना यार, बोलना हिंदी। हाँ मैडम, वाचण एम बनी ने के हमारा घर में गई कल रात ना चोरी थी, चोर आया, फिर चोर सीधा खिड़की से सीधा किचन की तरफ गया, फिर किचन से सीधा हॉल की तरफ गया, फिर हॉल से सीधा हमारा बेडरूम दिखा तो बेडरूम की तरफ गया, और फिर मैडम अलमारी दिखा, और अलमारी की तरफ देखते उसकी आंखें चार हो गई, फिर अलमारी को खोलता है, फिर पूरा सफा जंगाल पूरा हमारा गया मैडम, 12,342 रुपया, 12,342 रुपया। कितना होता है? 12,342। हाँ तो चाचा यही हिंदी में बोलने का कितना रुपया लीजिएगा आप? अरे पूरा 9 तोला सोनू पर गयो मैडम। सोनू पर? सोनू सोना मैडम, हमारा सुख चैन शांति, हमारा संतोष। संतोष कैसे? संतोष जी तो यहीं पर। संतोष यहीं पर हूँ। ए बेन, हमारा मन का सुख चैन शांति संतोष सब उड़ के चला गया। ये चोरी कहाँ हुई थी आप एड्रेस बताएंगे? हाँ, शहादतगंज। मुझे पता है शहादतगंज के जो चोर उचक्के हैं सबको मैं पहचानता हूँ, उनके डिटेल मेरे पास है, उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास है, सबसे मेरी बात होती है, और वहाँ का चोर है बाबान। ये पुलिस है कि चोर? कपड़ों से तो चोर लग रहा है। चोर था 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 था। चीते, बिल्लू को बाहर की हवा खिला खिला। चल चल बच्चा। एक मिनट। आप लोग चोर मिल जाएगा, चोर को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा है, आप लोग घर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। चल चल। ये संतान का? चल चल वहीं से घुमा कर लाते हैं। चल नहीं यार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिमाग का दही कर देता है ये बिल्ले। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आपको कोई ढूंढ रहा है, तुम जाके चोर को ढूंढो। ओके। हेलो हेलो जी मैडम जी, मैं तनु। मेरे पति या ससुर छे कि गए? हाँ गए, बताइए। जी मैडम जी, मैं प्लीज कह रही हूँ, ये केस सॉल्व मत करना, आप और मैं आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं ना। 10 सेकंड से ज्यादा हम बकवास नहीं सुनते हैं, बार बार नहीं बोलेंगे आपको। मैडम जी मैं क्या? पुलिस बैठेगी और ये विरुद्ध स्पाय काम करेगा, 2 मिनट में पकड़ूंगा आपके सामने ला के खड़ा कर दूंगा, आप जस्ट चिल चिल चिल। अच्छा तो पुलिस का काम अगर चोर करेगा तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? पुलिस चोर पकड़ेगी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। सुना नहीं? अरे हम लोग पकड़ेंगे, तुम ऐसे ही बैठ के टाइम पास करते रहो। ओ, टाइम पास क्या बोल रहा है ये, आपने सुना ना? संतोष जी मैं कह रहा हूँ, किसी को उसके काम से नहीं उसके टैलेंट से नापना चाहिए, एंड माय टैलेंट इज वेरी हाई, आई एम ब्लू टू स्पाय, तो चोर को मैं पकड़ के लाऊंगा। अच्छा तो फिर बिलू जी हम यहाँ बैठ के लूडो खेल ले। अच्छा चल ठीक है, तुमको पकड़ने का मन ही है ना, तो लग गया सर्च। हम दोनों में से, यानी चोर और पुलिस में से, जो भी चोर को पहले पकड़ेगा तो सर्च जीत जाएगा, बोल लगा शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। एक सेकेंड, ये क्या कर रहे हैं? रुको। ओह माय गॉड, रेडी रेस 1 2 3। एरोप्लेन चलता है, गजब यार। एरोप्लेन चलता नहीं, उड़ता है। अबे ये झापड़ी का भाग क्यों नहीं रहा है? हमने कहा था ना कहीं नहीं जाएगा, टाइम पास करेगा ये, फालतू है पूरे। करिश्मा मैडम, करिश्मा मैडम क्या छे? करिश्मा मैडम तुम तनु हो क्या, जो हमें फोन किया था वो तुमने किया था? जी मैडम, वो मैडम आपको ना चोर को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो हो गया वो हो गया ना, मतलब जो गया वो गया, इतना दानवीर कोई नहीं है इस कलयुग में, कहीं तुम्हारे चाचा मामा ताऊ से तुमने चोरी तो नहीं करवाया?
चलो तुम्हें अंदर डाले चलो। नहीं नहीं मैडम, मेरी बात तो सुनिए मैडम। का सुने? मैं चोर को पकड़ने से मना कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि क्यों? उसमें जो सामान है अगर वो मेरे ससुराल वालों के हाथ लग गया तो मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा मैडम। ऐसा का सामान है उनके पास कि तुम्हारा शादी टूट? ए, तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है किसी के साथ? तुम्हारा फोटो तो नहीं है उसमें? अरे नहीं मैडम। तो वो मैडम उस सामान में मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। तो उसमें मेरी असल उम्र लिखी हुई है। तो क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हो तुम। मैडम वो गणित ऐसा है कि मैंने उनको झूठू बोला है कि मैं अभी 28 की हूँ, जबकि मेरी असल एज तो 33 है ना। अब मेरी शादीशुदा लाइफ को बर्बाद होने से आप ही मुझे बचा सकती हैं। अजीब समस्या है। ड्यूटी करेंगे तो इसका शादी पर आ जाएगा, और अगर इसका मदद की तो ड्यूटी के साथ गद्दारी होगा। क्या करें? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.